हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार जो है ना हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट होता है वो काम नहीं करता है, चलता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, एक कन्फर्मेशन करनी है कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप जो रिचार्ज कराते ना इंटरनेट का रिचार्ज, वो आपको चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है, वो भी आपको चेक करना है। और इसके बाद में आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है ना, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होता है इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का यह ऑप्शन मिलता है, आपको रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इंटरनेट नहीं चलता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन की हमारी नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है जिसकी वजह से हमारे फोन में इंटरनेट नहीं काम करता है, ठीक है ना। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे भी टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आपकी है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग के लिखा हुआ मिलेगा, इसके नीचे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपकी सॉल्व हो, इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना ही है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमी आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, ठीक है। तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम अपडेट, इस पर टैप करना है। इससे आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इस सेटिंग को टैप करना है। तो दोस्तों इस सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको टैप कर देना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है ना अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब जाके आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको है ना सबसे नीचे की साइड यह ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड यह ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे भी आपको टैप करना है, ठीक है। अब इसके अगले में आपको सबसे नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट नहीं काम कर रहा है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले तो ट्रांसफर कर दीजिए, और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट नहीं चल रहा है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।